शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन किया गया था, जिसके बाद लॉकडाउन में शिथिलता दी गई, लेकिन अभी तक कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिन्हें अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। उसी में से एक है डांस क्लास, जिन्हें शुरू करने की मांग एलीट डांसर एंड कोरियोग्राफर एसोसिएशन द्वारा की गई है। नागपुर की एक संस्था है जो डांसर और कोरियोग्राफरों के लिए कार्य करती है। कोरोना महामारी के चलते पिछले कुछ दिनों से डांस क्लास बंद है, जिसके चलते डांसर और कोरियोग्राफर और उनके परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार मित्रांनो, मी दीपक गाडगे, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ एलीट डांसर्स एंड कोरियोग्राफर एसोसिएशन, या नात्याने आज इथे उभा आहे आणि आपली गोष्ट तुमच्या समोर मांडतो आहे। नागपुरातली ही एकमेव संस्था अशी उभी झाली आहे जी डान्सर्स या लोकांसाठी काम करणार आहेत आणि समोर भरपूर त्यांच्या उपयोगी जे काही रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आम्ही तयार करणार आहेत आणि तुमच्यासाठी नेहमी उभं राहणार आहे। आजची जी कंडिशन आहे, मागच्या 4 महिन्यापासून COVID-19 आपल्याला क्लास घेता येत नाही आहे आणि आपली फॅमिली सर्वाईव्ह करते आहे, खूप सारे डान्सरला जेवायलासुद्धा भेटत नाही आहे, डान्स क्लासेस बंद असल्यामुळे त्यामुळे आपण आज इथं उभं झालं आहेत आणि तुमची मदत, तुमचा हेल्प सर्व डान्सर कम्युनिटीला लागेल ही आम्ही आशा करतो। जय हिंद, जय भारत। इसीलिए एलीट डांसर एंड कोरियोग्राफर एसोसिएशन द्वारा मांग की गई है कि जल्द से जल्द डांस क्लास शुरू की जाए। नमस्कार, आप लोग RBI स्क्वायर पर आइए, हमें सपोर्ट करिए। हम डांस के लिए जो साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट, उस पॉलिसीज को, स्कीम्स को हम जो चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ये पूरा करे, वो उस प्रोटेस्ट के लिए आप हमें सपोर्ट करें, हमारा साथ दें प्लीज। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इन बीसीएन न्यूज़ नागपुर।